महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव के विकास, पंचायती राज, ग्रामोद्योग, साफ सफाई और महिलाओं की शिक्षा के साथ साथ समग्र ग्रामीण विकास को लेकर महात्मा गांधी के विचार एक तरफ जहां सशक्त देश के निर्माण का मार्ग दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ आज़ादी के इतने सालों बाद भी गांव के सतत विकास के लक्ष्य की दौड़ में भारत के अधिकांश राज्यों की स्थिति बेहद दयनीय है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों को लेकर एक प्रतिस्पर्धा कराई। इसमें सतत विकास लक्ष्यों को लेकर 9 अलग अलग श्रेणियों में बांटकर आकलन किया गया। इसमें लगभग 2,56,000 ग्राम पंचायतों में से 2.5 लाख पंचायतों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन जब उन्हें मानकों पर जांचा गया तो विभिन्न श्रेणियों में 13 पुरस्कार जीतकर तेलंगाना ने देश में पहला स्थान हासिल किया। वहीं हमारे यूपी के 2 पंचायतों को पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से अवार्ड प्राप्त हुए हैं, जिसमें बाल हितैषी पंचायत श्रेणी में सिद्धार्थनगर की हंसुड़ी औशनपुर ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिला है, जबकि नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास श्रेणी में मुरादाबाद के मिलक अमावती ग्राम पंचायत को ये पुरस्कार दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील के माध्यमिक विद्यालय हंसुड़ी औशनपुर को अभी हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि मिली है। यह केंद्र सरकार की क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत चयनित हुआ था। यह देश का पहला सरकारी विद्यालय है जहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रिटायर्ड वैज्ञानिक नियमित 2 घंटे की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास ले चुके हैं। वहीं मुरादाबाद के मिलक अमावती ग्राम पंचायत पुरस्कार मिलने के बाद अब चर्चा में है। पंचायती राज मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों के प्रति ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों को प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष प्रतिस्पर्धा कराता है। इसमें सतत विकास के 9 लक्ष्यों को आधार बनाया जाता है। इसके बाद प्राप्त रजिस्ट्रेशन पर एक प्रक्रिया के तहत इन पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए चयन किया जाता है। 9 लक्ष्यों में गरीब मुक्त और बेहतर आजीविका वाले गांव, स्वस्थ गांव, पर्याप्त जल वाले गांव, बाल हितैषी गांव, स्वच्छ एवं हरित गांव, सुशासन वाले गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाले गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव और महिला हितैषी शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय के सतत विकास लक्ष्यों को लेकर इस प्रतिस्पर्धा में तेलंगाना पहले स्थान पर तो उड़ीसा दूसरे स्थान पर है, जबकि देश के कई राज्यों का इनमें नाम तक नहीं है। यहां आपको बताते चले कि यूपी में राज्य सरकार द्वारा साल 2018 और 19 में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के नाम से एक योजना चलाई जा रही है। इसका नाम पहले दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हुआ करता था। इस योजना के तहत बेहतर कार्य करने वाले पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है, साथ ही साथ इसमें पंचायतों के कायाकल्प के लिए फंड भी आवंटित होते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अगली वीडियो के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।